राम राम दोस्तों, सभी ठीक होंगे। नेचुरल वाइल्ड लाइफ हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो विषय है सांप से रिलेटेड है। चलो प्रारंभ करते हैं। सांप एक ऐसा जीव है जो धरती पर अनंत समय से अस्तित्व में है। सांप का अस्तित्व डायनासोर के समय से है। दुनिया में सांपों की 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 20% प्रजातियां जहरीली होती हैं। दुनिया के नक्शे पर कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर सांप नहीं पाए जाते। उनमें न्यूजीलैंड, आइसलैंड तथा अंटार्कटिका आते हैं। हमारे देश में कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं, किंतु अभी ज्ञात हुआ कि 300 प्रजातियां जिनमें से 50 से अधिक विषैले हैं। भारत में हर साल लगभग 2.5 लाख लोगों को सांप के काटने की घटनाएं होती हैं। उनमें से कुछ लोग तो इलाज और टोने टोटकों से बच जाते हैं, किंतु फिर भी करीब 50,000 लोगों की मौत हर साल सांप के काटने से हो जाती है। विषम सांप एक ऐसा जीव है जो कभी कभी पहले से नहीं काटता। जब हम उसे छेड़ते हैं तभी वो काटता है। अधिकतम घटनाएं सांप की उगलती से पैर रखे जाने के कारण होती हैं। विश्व में सबसे लंबा सांप पाइथन रेटिकुलटेस होता है, जो कि 28 से 30 फीट तक लंबा हो सकता है। एक ऐसा जीव है जिसकी पलकें नहीं होती हैं। सांप अपने शिकार अथवा खाने को चबा नहीं सकते, इसलिए उसे पूरा निगल जाते हैं। सांप अपने बहुत से बड़े शिकार को आसानी से निगल जाते हैं, क्योंकि सांप के जबड़े लचीला व फ्लेक्सिबल होता है। सांप के कान शरीर के बाहर की ओर नहीं बल्कि उनकी त्वचा के अंदर होते हैं। सांप सूंघने का काम अपनी जीभ से करता है, जिससे उसे अपने शिकार का पता भी नहीं चलता है। कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्किन से भी सांस ले सकते हैं। ऐसे सांप पानी में रहते हैं और अपने शिकार के लिए अधिक देर तक पानी में भी रह सकते हैं। और नॉर्ड वाइपर एक ऐसा सांप है जिसके सिर पर 2 सींग होते हैं। ये सांप प्रायः दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। सांपों का इस धरती पर अस्तित्व लगभग 130 मिलियन सालों से है, जब डायनासोर भी पृथ्वी पर जीवित थे। सांपों की 70% प्रजातियां अंडे देती हैं, जबकि 30% प्रजातियां सिर्फ बच्चे पैदा करती हैं। ब्लैक बाम्बा स्नेक साक्षात यमराज है, जो अफ्रीका में पाया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा काटे जाने पर 95% लोगों की मौत हो जाती है। नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार सांप एक बार में खुद से 70 से 100% बड़े शिकार को आसानी से निगल सकते हैं। सांप साल में कम से कम 3 बार पूरी चमड़ी निकालते हैं। सांप को कोई आवाज सुनाई नहीं देती। सांप बहरे होते हैं। बीन की आवाज सुनकर सांप आना केवल भ्रम है। राय एनाकोंडा सबसे लंबा सांप नहीं बल्कि सबसे वजनी सांप है। ये 550 पाउंड तक के भी हो सकते हैं। किंग कोबरा जहरीले सांपों में से सबसे अधिक जहरीला सांप है। आमतौर पर इनकी लंबाई 18 फीट होती है। इनका जहर इतना खतरनाक होते हैं, मात्र 7 मिलीग्राम से 20 आदमी की मृत्यु हो सकती है और एक हाथी मर सकता है। सांप पीछा कर किसी सामान्य आदमी को नहीं काट सकता। सांप की अधिकतम रफ्तार 7 किलोमीटर प्रति आवर होती है। गलती से खुद को काटने के कुछ विषैले सांप अपने आप को मार लेते हैं। और कभी भी सांप हमारे पीछे पड़ जाए तो हमें सीधा नहीं भागना चाहिए, आधा टेढ़ा चलना चाहिए। उससे सांप की रफ्तार कम हो जाती है। प्रजातियों के आधार पर सांप 4 से 25 वर्ष तक जीवित रहता है। ऐसे रिलेटेड फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।